किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं राम गोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज 1 दिसंबर 2021 आज बुधवार है और आज रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज और सोयाबीन के कितने वाहन आए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के किसान साथियों इसके बाद में पूरा दृश्य भी रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों का और सोयाबीन के वाहनों का भी मैं आपको पूरा दृश्य बताने की कोशिश करूँगा। तो आज रतलाम तो किसान साथियों सोयाबीन के वाहनों की संख्या लगभग किसान साथियों 170 के 80 के लगभग है आज रतलाम कृषि उपज मंडी में, और प्याज के वाहनों की भी संख्या किसान साथियों लगभग इतनी ही है, 170 से 80 वाहन लगभग 200 के करीब पहुंचने वाले हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में। और कल भी और किसान साथियों प्याज के वाहन जो कल रतलाम कृषि उपज मंडी में आए थे वो भी 250 वाहन थे, और सोयाबीन के भी किसान साथियों 250 वाहन थे रतलाम कृषि उपज मंडी में, और आज भी किसान साथियों 180 के लगभग सोयाबीन के वाहन हैं और 180 के लगभग किसान साथियों प्याज के वाहन हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में, यानी कि 200 के लगभग पहुँचने वाली हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों की संख्या। और किसान साथियों आपको मैं भाव वाला वीडियो जो नीलामी होगी 9:30 बजे प्याज की, उसका भी वीडियो किसान साथियों आपको मैं जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और सोयाबीन की नीलामी किसान साथियों 10:30 बजे होगी, उसका भी नीलामी के बाद में किसान साथियों उसके भी भाव का वीडियो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और कभी कभी क्या होता है किसान साथियों की नेटवर्क कमजोरी के कारण वीडियो अपलोड होने में देरी हो जाती है, उसके लिए किसान साथियों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, और जल्दी से जल्दी आपको आप तक वीडियो पहुँचे इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, और अच्छे नेटवर्क की तलाश में जहाँ भी अच्छा नेटवर्क मिलता है मैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। किसान साथियों आप जो देख रहे हैं ये मैदान है रतलाम कृषि उपज मंडी में, जो मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला का ये मैदान किसान साथियों, मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला के जो पीछे की साइड में जो मैदान बना हुआ है उसमें ये सभी प्याज के वाहन लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। रतलाम कृषि उपज मंडी का ये मैदान किसान साथियों, इसमें प्याज के वाहन लगे हुए हैं और एक लाइन तो किसान साथियों पूरी हो गए हैं और उधर से वापस ये घूम के आई ये लाइन, और ये यहाँ तक किसान साथियों और वहाँ तक भी आपको मैं जूम करके बताता हूँ कि जो रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए प्याज के वाहनों की ये कतार रतलाम कृषि उपज मंडी में किसान साथियों प्याज के वाहन की कतार है, और ये दूसरी लाइन यहाँ तक लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी भी खड़े हैं यहाँ पर, और ये आज रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों का पूरा दृश्य आपके सामने है। और ये देख सकते हैं किसान साथियों ये रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर सोयाबीन के वाहन लगे हुए हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं किसान साथियों ये वहाँ से लाइन शुरू है, और ये लाइन भी किसान साथियों इधर जा रही है, इस पूरे शेड में लगे हुए हैं सोयाबीन के वाहन हैं, और वहाँ तक देख सकते हैं ये जो शेड है ये पूरा भरा हुआ है, और जिसके बाद में इधर फिर उधर किसान साथियों टंकी की तरफ लाइन जा रही हैं इसकी। और ये कितनी संख्या है आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा पूरी, देख सकते हैं आप ये सोयाबीन के वाहनों की संख्या रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हैं नीलामी के लिए, और 10:30 बजे इनकी नीलामी शुरू होगी, उसका भी वीडियो किसान साथियों मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के वाहनों का यह दृश्य। तो किसान साथियों यह थी रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज और सोयाबीन के आवक से संबंध में ये पूरी जानकारी। तो अब यह वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले भाव वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ओके, आइए आप। और किसान साथियों अभी रतलाम कृषि उपज मंडी में बारिश भी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी अपने प्याज के वाहन को सही जगह लगाते हुए, और अभी बारिश शुरू हुई है अभी किसान साथियों रतलाम कृषि उपज मंडी में, अभी बारिश शुरू हुई है लगभग किसान साथियों अभी 9:22 हो रहे हैं, और अभी बारिश शुरू हो गई है रतलाम कृषि उपज मंडी में, देख सकते हैं आप ये हल्का सा गीला होता हुआ फर्श,